2 महीने बाद मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आज हम जा रहे हैं एक भयंकर शादी में। मेरा बैकपैक हो चुका है, बस थोड़ा सा ही लेके जाना है क्योंकि एक दिन का ही ट्रिप है। और ये प्रॉपर गांव वाली शादी होने वाली है। हमने मतलब हमारे जो पड़ोसी, उन्होंने बस बुक कर रखी थी वहाँ तक जाने के लिए। यूजुअली लड़के की बारात जाती है, हम लड़के लेके जा रहे हैं। और ये जो नारियल है स्टार्टिंग में जो बस के आगे फोड़ा जाता है जब बारात जाती है, तो ये उसका था। हम ये इसे ऐसा रास्ता देख के तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता था। उस रास्ते को हमने पार करते हुए थोड़ा ही 1-1.5 घंटे हुए थे कि हमको नाश्ता मिल गया। हमारे पास से 2 कचौरी एंड जलेबी। उसके बाद हम नदी को पार करते हुए पहुँचे। पहले हम गंदे रास्ते को पहुँचे, फिर नदी पार की। और उसके बाद उस दिन महावीर जयंती थी, हमने रास्ते में महावीर जी भगवान का ये जुलूस भी देखा जाते हुए, जहाँ पे लेडीज़ अपना फ़ोटो सेशन वगैरह करा रही थी। उसके बाद पानी नदी पहाड़ को पार करने के बाद अब हमने करी ये रेलवे ट्रैक को पार किया। और ये जो खटखट खटखट आप देख के समझ ही रहे होंगे कि कितना भयानक बस में रहा होगा सफ़र। उसके बाद हम कोटा के पास पहुंच गए थे। ये चंबल नदी है, जिसको नहीं पता देख लो। और हालत तो भगवान मेरी ये थी कि कब पहुंचेंगे। ऐसे ही बच्चों को देखते हुए बस के अंदर बाहर का नज़ारा लेते लेते हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे, जहां हमको पहुंचना था। ये दो बस, एक बस आई हुई थी और एक कार आई हुई थी, जिसमें जो हमारी दुल्हन थी वो थी। हम सब वेट कर रहे थे। और हमारे लिए जो ये DJ था गाँव का, प्रॉपर गाने बज रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया एक भी गाना। मौसम बहुत सुंदर हो रखा था। हम वहाँ पहुँचे उस DJ के साथ। और उसके बाद हमें आते ही कॉफ़ी और चाय दोनों सर्व की गई, विच इज़ गुड बिकॉज गांव में सिर्फ चाय होती है, तो ये अच्छी बात थी। उसके बाद हम तुरंत हाफ एन आवर के अंदर ही हम लोगों ने मतलब जिनकी शादी थी उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैंने जूस पिया, मम्मा कॉफ़ी पी रही थी। एंड इसके बाद जो ये वहाँ देते हैं ना शगन में, तो हमारी साइड से इलायची सुपारी और ये सब था, तो मैंने वो खाया। मतलब जब से मैं आ रही हूँ तो मैं खा ही रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ देखा, ये आई डोंट नो क्या फंक्शन होता है, कुछ पहनाने का, कुछ पहरावनी वगैरह कुछ होती है। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ घर से लेकर आए थे बाई जी, तो उनका कुछ रस्म तो होती होगी, मुझे नहीं पता क्या होती है गाँव में। तो हमने वो सब छोड़ के फिर हमने कहा चलो यार, यहाँ बहुत फेमस मंदिर है राजस्थान के अंदर, जो 9 दुर्गा का मंदिर है। मतलब 9 दुर्गाएं एक साथ एक मंदिर के अंदर, राजस्थान में कहीं भी नहीं है ये। उन्होंने बोला पंडित जी ने कि ये फर्स्ट मंदिर है जहाँ पे 9 दुर्गाएं एक साथ विराजमान है। हमें लगा कि चलो यार चला जाए। और तो बहुत ही सुंदर मंदिर था, देखो 5 उस साइड थी और 4 इस साइड है। उसके बाद यहाँ पे पवित्र अग्नि की परिक्रमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। यहाँ पे नारियल काटने वाली मशीन थी यार, बहुत अच्छी बात है, इससे हमें नारियल को ऐसे ठोकना नहीं पड़ता होगा, आराम से कट जाता है, रखो। एंड फिर हम उसके थोड़ा आगे जाके बालाजी का मंदिर था, हमने तिलक लगाया, भगवान को ढोक दिया बालाजी को। उसके बाद हम वापस से आ गए वहाँ पे जहाँ पे हमारा फंक्शन था। और यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी अभी, मतलब इसको देखो भाई, छोटी गुड़िया इससे लंबा इसका बैग है, लिटरली आप देख पा रहे हो, तो भाई साहब अभी ये कैटवॉक भी करेगी देखना। देखो इसका बैग इससे काफ़ी लंबा है, लेकिन बचपन तो बचपन होता है ना, यही तो चीज़ें याद रहती है। उसके बाद देखो ये डांस कर रही थी, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, बेचारी शर्मा गई। उसके बाद अराउंड 6 और 6:30 हो गया था, तो हमें लगा कि खाना खा लेना चाहिए, तो ये खाना था क्योंकि हमको वापस जाना भी था, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी हुआ क्या था एक्चुअल में। उसके बाद हमारे घर के पास के जो भैया थे, वो हमें ना एक बद्री विशाल जी के मंदिर लेके, हमें लगा कि बद्रीनाथ जी यहाँ पर कैसे, तो वो लेके गए, देखो कितनी बढ़िया मूर्ति है। और इसका फैक्ट ये है कि ये काटी गई नहीं है मूर्ति, ये पहाड़ के ऊपर ही बनी हुई है। और इसमें इन्होंने बताया पंडित जी ने कि ये हर एक इंच है ना हर साल नीचे जाती जाती है। यार हमारे इंडिया के अंदर करिश्माओं की कमी नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आगे को नीलकंठ महादेव जी आवा के, वो भी बहुत फेमस है। और ये जो आगे आपको मैं नदी दिखा रही हूँ, ये त्रिवेणी नदी है, मतलब कुंड है। उसके बाद ये देखो कितनी भयंकर मूर्ति थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था लिटरली महादेव जी हमको देख रहे हैं। उसके बाद हमने भजन वजन किए। Thank you.
एंड इसके बाद यहाँ पे ना ये दादाजी जो थे वो नाच रहे थे, मतलब इतना अच्छा माहौल बन गया था ना, मतलब पूरा ऐसा माहौल हो गया था कि आध्यात्मिकता में मैं तो लीन हो गई थी। बहुत अच्छा मंजर था। उसके बाद हम लोग वापस बारात में आ गए, और यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखा है घोड़ी को ऐसा डांस करते देखना। हमने कभी नहीं देखा, ये सिर्फ गाँव में देखने को मिल सकता है ऐसी चीज़ें। वो काफ़ी इन्जॉय करी, मुझे ये बहुत अच्छा फैक्ट लगा यहाँ की शादी में। और उसके बाद देखो यहाँ पे बाराती जो है वो डांस कर रहे थे। ये गाना तो सुन के मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कौन सा गाना था, लेकिन जो ये डांस कर रहे थे वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। बिकॉज़ हमारे पास कुछ करने को था नहीं, हम खाना खा चुके थे, तो ये हमारा इकलौता एंटरटेनमेंट सोर्स था। हम वही देख रहे थे। और ये जो भैया दिख रहे हैं आपको, ये तो बड़ा ठुमक ठुमक के डांस कर रहे थे। और दूसरी साइड हमारा दूल्हा रेडी था अपनी, आई थिंक इसको निकासी कहते हैं या बिंदोरी कहते हैं, आई डोंट नो, मैं कन्फ्यूज़ हो गई दोनों में, आई थिंक बिंदोरी बोलते होंगे। हाँ, इसी में देखो ये भैया और बहुत नाच नाच के डांस कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पे इतने लोग नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे कोई की निकासी बिंदोरी होती है, बहुत सारे मतलब मामा चाचा फूफा पता नहीं कौन कौन, काफ़ी लोग हो जाते हैं, या तो फिर भी थोड़े कम ही लोग थे। यहाँ पे देखो आई थिंक ये इनके जो ये लड़का है दूल्हे जी, उनके जो आई थिंक कौन है ये जिया जी, जीजा जी आई थिंक, ये जो नाच रहे थे ये जो कोर्ट में। उसके बाद ये भैया तो भाई क्या नाचें, पूरी बंदोरी में भयंकर नाचें भाई, इनका तो कहना ही क्या बोलूँ मैं, बहुत नाचे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था मतलब हमारे साइड की जो लेडीज़ गई थी वो कह रही थी कि क्या ये दूल्हे का भाई है क्या, वो तो कोई लेडीज़ बोल रही थी नहीं ये तो किसी दूसरा है पता नहीं कौन था, लेकिन ये बहुत नाचे। दूसरी साइड वहीं पर देखो ये जो तोरण मारते, उसकी तैयारी आंटी जी कर रही थी जो हमारे साथ बारात में आई थी, क्योंकि वही करते हैं, लड़के वाले नहीं करते हैं ऑफकोर्स ही बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे दुल्हन आने वाली है, आई थिंक दूल्हा आने वाला है, तो उसका पहले वो जो होता है ना उसको मेजर करते हैं, पता नहीं ऊपर से नीचे तक वो रस्म हुई। उसके बाद दुल्हन आई, और यहाँ का थोड़ा अलग माहौल था बिकॉज़ हमारे यहाँ काफ़ी ग्रैंड एंट्रीज होती है दुल्हन की, बट यहाँ बेसिक थी, लेकिन जो भी था अच्छा था। उसके बाद ये जो लड़की वाले उनके साथ आ रखे थे पीछे दुल्हन को लेकर, एंड सामने हमारा दूल्हा वेट कर रहा था, फिर दूल्हा नीचे आया और हमारी दुल्हन को लेके चला गया ऊपर। ये दुल्हे की जो बहन थी और दूसरी दुल्हन की बहन थी, और ये आपस में डांस कर रही थी, और इसकी जो आवाज़ थी भाई, जनरेटर भी साथ में चल रहा था और डीजे भी साथ में चल रहा था, तो हमें समझ नहीं आया था किसकी बीट पे ज़्यादा पैर उठ रहे हैं, जनरेटर की या फिर डीजे की पे। ये था ऐसा कुछ छोटा मोटा डांस। और यहीं पे बाकी इसकी जो दुल्हन की मौसियाँ थी, बहनें थी, उन सब ने बहुत डांस किया, और ये गुड़िया ने भी भाई जब से डीजे स्टार्ट हुआ है और एंड तक ये बहुत नाची है। उधर दूसरी साइड वही वरमाला हो गई थी, और उसके बाद अब फोटो सेशन चलने वाला था, और फोटो सेशन होने के बाद अब दूल्हा दुल्हन का सेपरेट में जो फोटो सेशन होता है ये, उसके लिए दूल्हा और दुल्हन जा रहे थे। और ये गुड़िया को देखो अभी तक भी कॉन्टिन्यूसली नाच रही है भाई साहब। यहाँ पे ना ये दादाजी है, मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिले थे तो इन्होंने मुझे पहचाना, उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ बोले कि बेटा आप कैसे हो, आपका भैया कैसा है। ये सब बातें हुई, फिर उन्होंने मेरे सर पर भी दो बार हाथ रखा, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि बेटा खुश रहो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ही हमारे पड़ोस में एक आंटी है वो डांस कर रही थी, तो उन्होंने बोला कैप्चर कर लो मुझे, तो मैंने उनको भी कैप्चर किया। एंड देन आई थिंक वो हो गया, फेरे वेरे सब कुछ हो गए, मांग भरना सिंदूर सब रसम ख़त्म हो गई, यहाँ पे जूता छुपाई का कुछ सीन चल रहा था। एंड देन उसके बाद जो कन्यादान के बाद जो दुल्हन के मम्मी पापा ऐसे राउंड लगाते हैं वो कर रहे थे, और क्या बताऊँ मैं, बस शादी हो गई संपन्न। आई होप ये दोनों कड़े खुश रहें। और ये वही बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, गणेश जी लड़के वालों का जो गणेश जी है, लड़की वालों का जो गणेश जी, वहाँ पे मतलब ढोक देना,
एंड उसके बाद जो हमारी साइड की यहाँ बारात रवाना होने वाली थी, सुबह के 4 बज गए थे। मैं आपको याद हो तो मैं पहले बता रही थी व्लॉग में कि हमें निकलना है, लेकिन निकलते निकलते ही सुबह के 4 बज गए। हमने पहले स्टेज किया, फिर हमने फेरे भी देखे, और ये चीज़ सबसे इमोशनल है भाई साहब। ये दुल्हन के पापा हैं हमारे नेबर अंकल। सो वाकई में यार अभी मुझे समझ आ रहा है कि जब मेरी शादी होगी मेरे पापा का क्या होगा। पता नहीं वो रोएंगे या नहीं रोएंगे, बट ये बहुत टफ होता है हर किसी पेरेंट्स के लिए अपनी बेटी को देना। सो ये लास्ट रिचुअल्स चल रहे थे दुल्हन के, और बस उसके बाद हम सो गए। सो के उठ के आई, मैं घर पहुँच गई और मुँह वो धो के मैं सोती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।